बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान की, सबसे शक्तिशाली लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के बारे में। जी हाँ, जो करंट में प्रधानमंत्री है सबसे लोकप्रिय। भारत की राजनीति की वजह से चाहे आप उनसे प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। उनका जन्म कोई ऑफिशियल तरीके से हुआ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे और उनकी कड़ी मेहनत से आज वो इस मुकाम पर है। उनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उनके लिए कारगर सिद्ध हुआ। नरेंद्र मोदी का जन्म बचपन से ही गरीब परिवार में हुआ था। उनका जन्म को ऑफिशियल तरीके से नहीं हुआ था। जब बच्चे खेल कूद उम्र में खेलते थे, तब नरेंद्र ने यह फैसला किया कि वो अपने पिताजी के साथ चाय की केतली लेकर चाय बेचना शुरू करेंगे ताकि पिताजी का हाथ बढ़ सके। और उन्होंने और उनके पिताजी ने चाय की बेचने के लिए ट्रेन के डिब्बों में जाना शुरू कर दिया। अगर किसी में देशभक्ति की भावना है तो वो भी मुकाम कठिन नहीं रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, तो लेट्स उनके बारे में लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर का। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में सबको पता चले। शेयर दिस वीडियो ऑन योर फ्रेंड एंड फैमिली। नरेंद्र मोदी जी का जन्म साधारण तरीके से कोई सिटी में ना होकर बल्कि छोटे से जगह हुआ था, जिस जगह को आज हम लोग गुजरात कहते हैं। आज वो बहुत बड़ी जगह हो चुकी है और ये नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और इनकी जो माताजी है वो अभी भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी जी की माताजी का नाम हीराबेन मोदी था। नरेंद्र मोदी गरीब परिवार में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन जो उनके पिताजी है वो ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाया करते थे। चाय बेचना उनका काम था, उनके घर का काम था। नरेंद्र मोदी उनके 6 संतानों में से एक थी और नरेंद्र मोदी चाय बेचने के साथ साथ पढ़ाई में भी बड़ा निपुण और बड़ी गर्व से वो पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गुजरात के वाडनगर से पूरी की। महज 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी की सगाई यशोदाबेन से तय कर दी गई, यशोदाबेन चमनलाल से, और 17 साल की उम्र में इनकी शादी की गई। और जो फाइनेंशियल है, उन फाइनेंशियल एक्सप्रेस अगर उनकी न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए, ज़्यादा दिन अपने साथ नहीं रह पाए, कुछ ही साल एक दूसरे के साथ रह पाए। नरेंद्र मोदी और जसोदा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे और नरेंद्र मोदी की यही बात उन्हें मजबूत और कामयाब बनाती है। नरेंद्र मोदी का है कि जो अनमेरिड पर्सन होता है, अनमेरिड आदमी, वो करप्शन के खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ाई कर। मोदी जी में देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। वे देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उन्हें बढ़िया सा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा था कि वो किस प्लेटफॉर्म पे काम करें। ऐसे में उन्होंने RSS ज्वाइन कर लिया। मोदी जी लोगों के साथ RSS ज्वाइन कर चुके थे, वो RSS के प्रचारक बन चुके थे और वो लोगों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। लोगों के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम समझना, वो बहुत करीब से लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे थे नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में मोदी जी ने राजनीति विज्ञान में भी अपनी डिग्री हासिल कर ली और ऐसे में वह स्टार प्रचारक बन चुके थे RSS के और उन्होंने BJP को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी। मोदी की मेहनत से गुजरात इलेक्शन में उनकी पार्टी ने बहुमत से सरकार बना ली 1995 में, लेकिन भाजपा की यह सरकार से उनके कर सिंह वेगला ने रिजाइन दे दिया। नरेंद्र मोदी के काम को देखकर उन्हें दिल्ली बुलाकर यूनियन कैबिनेट बना दिया गया।
अक्टूबर 2001 में केशु भाई की जगह मोदी जी को रिप्लेस कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात बना दिया गया, क्योंकि केशु भाई की तबीयत ज़्यादा खराब थी। फर्स्ट वर्क उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को शुरू किया था। नरेंद्र मोदी ने अश्विन मेहता को मात देकर राजनीति का राज तिलक किया और चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के। उन्होंने गुजरात में बहुत सारे काम करवाए और गुजरात में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाले वो सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने। गुजरात में उन्होंने बहुत सारे काम करवाए, उन्होंने हर घर को पानी पहुंचाया और भी बहुत सारे काम करवाए और बेस्ट स्टेट साबित कर दिया इंडिया का गुजरात को। उनकी यही सफलता को देखते हुए उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, क्योंकि उनके साथ सोशल मीडिया का प्रभाव भी था और उन्होंने रैलियां उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। 2000 लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और 2014 के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। उन्होंने 2014 में मोदी नाम से डंका बजवा। 2016 में इनके द्वारा की गई नोटबंदी से भ्रष्टाचार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने नोटबंदी की ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके और वही हुआ। करप्शन पे इन्होंने डबल चोट एक साथ कर दी। एयर स्ट्राइक भी इन्होंने 2019 में टेररिस्ट के खिलाफ की, जिनसे इनको का फायदा 2019 के चुनाव में, और देखते ही 2019 के चुनाव में भी इन्होंने की। वो जीत जीत नहीं थी, बहुत बड़े अंतर से जीत थी। इन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था और बहुत भारी अंतर से ये जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी जीत बहुत आसान बन गई। नरेंद्र मोदी, मैं आशा करता हूँ कि ये बेस्ट पर्सन होंगे वर्ल्ड के जो ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। लाइक कर दीजिए इस बात पे इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं ऐसी ही बायोग्राफी आपके लिए लाता रहता हूँ।